हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज मैं आपके साथ मामा अर्थ ऑनियन हेयर सीरम विथ ऑनियन एंड बायोटिन का रिव्यू करने वाली हूँ। यहाँ पे लिखा है कि ये फॉर स्ट्रांग एंड फ्रिज फ्री हेयर के लिए है और ये पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स है। इसका नेट कंटेंट 100 ml है और इसका प्राइस है 299 rupees और इसकी शेल्फ लाइफ 2 years है। और बैक पे भी दिया गया है कि रेड्यूसेस फ्रिज, रेड्यूसेस हेयर ब्रेकेज, मेक्स हेयर सॉफ्ट एंड शाइनी। इंग्रेडिएंट्स लिस्ट भी दी गई है पीछे और डायरेक्शंस फॉर यूज़ भी लिखा गया है कि टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सीरम ऑन टू योर पाम्स, रब हैंड्स टूगेदर एंड डिस्ट्रीब्यूट इवनली अलॉन्ग द लेंथ ऑफ योर टॉवल ड्राइड और ड्राई हेयर, especially the ends, leave it on for best results, use it after every hair wash, you can also use it on dry hair prior to combing। और ये प्लास्टिक पॉजिटिव है, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज और ये क्रुएल्टी फ्री है। ममा अर्थ जितना प्लास्टिक यूज करता है उसे से 2 गुना ज़्यादा ममा अर्थ प्लास्टिक रिसाइकल करता है। ममा अर्थ प्लेजेस टू लिंक एवरी ऑर्डर ऑफ योर परचेस टू अर ट्री इन विच दे कैन प्लांट 1 million ट्रीज इन दिस 5 years। अब बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। एक प्लास्टिक पम्प बॉटल में आता है, इसका ऊपर का कैप ग्लास का है और ऊपर इसके अंदर और एक कैप है, ये प्लास्टिक का है। यहाँ से आपको पम्प करना होता है। इसका टेक्सचर मैं आपको दिखा देती हूँ। एक लिक्विडी ट्रांसपेरेंट टेक्सचर में है। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। मैं इसे वेट डैम्प हेयर पे यूज़ कर चुकी हूँ। ये वेट डैम्प हेयर पे मेरे हेयर को सॉफ्ट एंड शाइनी लुक देता है और फ्रिज फ्री रखता है। लेकिन मैं इस सीरम को ड्राई हेयर पे यूज़ करती हूँ तो ये मेरे हेयर को सॉफ्ट टच तो देता है लेकिन मेरे बालों में शाइन ऐड नहीं करता है। दिखने में ऐसा लगता है कि बालों में फ्रिज आ चुका है। मेरा इसके साथ वेट हेयर पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वैसे ही ड्राई हेयर के साथ मेरा इसके साथ बुरा एक्सपीरियंस है। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप इसे परचेस मत करो। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आप इसे परचेस कर सकते हो, लेकिन आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आप इसे वेट डैम्प हेयर पे ही यूज़ करना, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आप इसे ड्राई हेयर पे यूज़ करना चाहते हो तो, क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है इस चैनल पे। अगर आपको मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। आगे और भी ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।